वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेलिम माउल कवर कर लिया था, और आज हम शुरू करेंगे प्रोटिस्टा का लास्ट पोर्शन, जिसे हम कहते हैं क्या, होलोजोइक प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है होलोजोइक प्रोटिस्टा। होलोजोइक प्रोटिस्टा, तो देखिए, अगर जो हम होलोजोइक प्रोटिस्टा की बात करें, तो इसमें जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो दे आर एनिमल लाइक, ये एनिमल की तरह होते हैं, और दे आर यूनिसेलुलर, तो एक सेल वाले सारे एनिमल इसमें आते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटो जोन्स, इन्हें हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स की खास बात क्या है, इनमें अगर हम न्यूट्रिशन को समझें, तो न्यूट्रिशन कैसा है इनका, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका वो है कैसा कैसा है, सेप्रोफाइटिक है, इसके अलावा होलोजोइक है, इसके अलावा पैरासाइटिक है, इसके अलावा सिम्बायोटिक है। ठीक है, अब ये भी अलग अलग टाइप्स के हैं, इसके अगर मैं टाइप्स समझूं, तो इसको जो टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बिहार पे बांटा गया इसको अलग अलग कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बिहार। ठीक है, तो एक जगह मैं लिखता हूँ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और एक जगह मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स के कौन कौन से होंगे। तो देखिए, अगर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला है, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेट है, अगर जो सीलिया है, सीलिया है तो सीलिएटर, अगर ये लोकोमोशन कर रहा है सूडोपोडिया की हेल्प से, सूडोपोडिया है तो सार्कोडिना, इसमें अमीबा आता है, और अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है नो तो है वो स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे कौन सा, फ्लैजिलेटा। तो जो फ्लैजिलेटा हैं दे आर कॉल्ड जू फ्लैजिलेट्स, जू फ्लैजिलेट्स। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं जू फ्लैजिलेट्स के बारे में, तो इसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट समझते हैं। जू फ्लैजिलेट्स की अगर बात करें तो दे है वन और मोर फ्लैजेला, इनमें फ्लैजेला एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, दे आर एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसमें समझ में आ गई बात। अब इसमें हम आगे समझते हैं, तो इसमें कई टाइप्स आते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला टाइप जो शुरू करते हैं वो है नंबर वन, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। ये जो ट्राइकोनिम्फा है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद टर्माइट्स, टर्माइट्स होते हैं दीमक जो लकड़ी में लग जाते हैं,
उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है, ट्राइकोनिम्फा प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, ये टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में रहेगा, ठीक है। टर्माइट्स कहाँ रहता है, ये इंटेस्टाइन में रहता है। और यहाँ पर क्या शो करता है, शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, जैसे सेलुलोज है, जो ट्राइकोनिम्फा है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, सेलुलेज, सेलुलेज ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय ट्राइको या ट्राइको ट्राइकोनिम्फा के द्वारा, ठीक है। और क्या करेगा, ये इस सेलुलोज को ब्रेक कर देगा सिंपल शुगर में, और इस सिंपल शुगर से क्या होगा, जो टर्माइट्स है गेट्स न्यूट्रिशन, बदले में टर्माइट्स क्या करेगा, जो टर्माइट्स है प्रोवाइड शेल्टर टू ट्राइकोनिम्फा, ये इस ट्राइकोनिम्फा को शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा होलोजोइक प्रोटिस्टा, और इसमें आज हमने शुरुआत कर ली किसकी, आज हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया, इसके टाइप्स पढ़ लिए, और फर्स्ट पढ़ लिया ट्राइकोनिम्फा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जू फ्लैजेलेट्स की बात करेंगे, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, लैशमैनिया डोनोवेनी, इन सब के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक पढ़ के रखेंगे।